हेलो दोस्तों, फिल्म एक्सप्रो में आप सभी का स्वागत है। और आज की इस वीडियो में आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूँ पिछले साल की ही तरह पूरे साल में रिलीज हुए टॉप 10 बेस्ट IMDb रेटेड सीरीज का कलेक्शन, जिन्हें आप सभी को एक बार तो जरूर देखनी ही चाहिए, क्योंकि इस लिस्ट की सभी सीरीज की IMDb रेटिंग 8 से ऊपर की ही है। और इस लिस्ट में मैंने केवल 19 सीरीज को ऐड किया जिन्हें अच्छे खासे लोगों ने, मतलब कि काफी सारे लोगों ने वोट किया है। मतलब कि ये सभी सीरीज पूरे साल में काफी चर्चे में रहे हैं। और इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि नंबर 1 के प्लेस के लिए दो वेब सीरीज के बीच फाइट हो चुकी है, जिनकी दोनों की IMDb रेटिंग 9.2 की है। तो चलिए आपको इंटरव्यू में ज्यादा ना फंसाते हुए देखते हैं कि आखिर ये सब इंटरेस्टिंग सीरीज है कौन कौन से, आखिर आपने इस लिस्ट के कितने सारे सीरीज को मिस करके बैठे हो। तो चलिए शुरू करते हैं। मुबारक हो, बाप बन गए आप, स्टैम्प पेपर फायदा हुआ है। नंबर 10 स्कैम 2003, जिसे IMDb पे 8.0 की रेटिंग मिली हुई है। और स्कैम 1992 के बाद ये इनकी दूसरी सीरीज है, पर हाँ इन दोनों सीरीज के स्टोरी लाइन और प्लॉट बिल्कुल डिफरेंट होने वाले हैं। और इस बार स्टोरी फोकस की गई है देश में हुए 30,000 करोड़ के स्कैम के ऊपर, जो कि एक अब्दुल करीम नाम के व्यक्ति ने किया था, वो भी स्टैम्प पेपर को फेरबदल करके। तो आखिर वो इतनी बड़ी स्कैम आखिर कैसे कर पाए और वो पुलिस की नजरों में आखिर कैसे आया, ये सब कुछ जानने के लिए सीरीज देखनी होगी, जो कि 1 सितंबर को सोनी लैब पे रिलीज हो चुकी है। नेक्स्ट नंबर 9 की प्लेस पे है 8.1 IMDb रेटिंग के साथ एक नहीं बल्कि दो सीरीज। पहली सीरीज है नेटफ्लिक्स पे आई काला पानी, जिसकी स्टोरी मेनली फोकस की गई है अंडमान निकोबार टापू पे, जहाँ पे टूरिज्म को बढ़ाने के लिए एक इवेंट ऑर्गेनाइज की जा रही होती है, जिस वजह से वहाँ पे काफी सारे भीड़ इकट्ठा होने लगते हैं। और इसी दौरान वहाँ पे एक वायरस फैल जाता है, और इसके बाद जो वायरस की मंजर दिखलाई गई है भाई साहब, वो वाकई काफी ज्यादा ब्रूटल है। तो आखिर इसके बाद वहाँ के सभी लोग सर्वाइव करने के लिए आखिर आगे क्या कुछ करते हैं, ये सब कुछ तो आप ये सीरीज देख कर जानो। और इसी के साथ नंबर 9 पे है एक और सीरीज YouTube की, शाहरुख खान यानी कि भुवन बाम की मच अवेटेड सीरीज ताजा खबर, जिसे डायरेक्टली डिस्नी प्लस हॉटस्टार से देख सकते हो। उंगली करोगे बहुत पछताओगे। नेक्स्ट नंबर 8 8.2 IMDb रेटिंग के साथ द फ्रीलांसर, जिसकी स्टोरी बेस्ड है अ टिकट टू सीरिया नाम के बुक के ऊपर, जिसमें स्टोरी दिखलाई गई है विनाश नाम के एक ऐसे कैरेक्टर के ऊपर, जो कि पैसे लेकर किसी भी मिशन को कंप्लीट करने का काम करता है, और वो अपने मिशन को कंप्लीट करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हो जाता है। तो आखिर इस बार उसे कौन सी मिशन मिली और आखिर वो अपने मिशन को पूरा करने के लिए क्या कुछ करता है, ये सब कुछ जानने के लिए आपको ये सीरीज देखनी होगी। और स्पेशली मोहित रैना की दमदार एक्टिंग ने इस सीरीज में तो जान डाल दी है, जिसे आप सभी को एक बार तो जरूर देखनी ही चाहिए। फिल्म बनाने के लिए तो किसी के साथ सोना ही पड़ता है, या शरीर से या ईमान से। नंबर 7 जुबली, जिसे IMDb पे 8.3 की रेटिंग मिली हुई है। और ये सीरीज हर किसी के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये सीरीज फटाफट से ट्विस्ट एंड टर्न दिखलाने की आपको बिल्कुल भी कोशिश नहीं करती, जिसकी स्टोरी बेस्ड है बॉलीवुड की गोल्डन एरा यानी कि इंडिपेंडेंस टाइम की, जिसमें बॉलीवुड इंडस्ट्री में चल रहे पीछे की डार्क सीक्रेट को भी दिखलाई गई है, जिसमें बजट से लेकर एक्टिंग, सिनेमाटोग्राफी और हाँ कोरियोग्राफी में बिल्कुल भी कंजूसी नहीं की गई है। ओवरऑल ये एक मास्टरपीस सीरीज तो है ही, यहाँ पर हर किसी के लिए बिल्कुल भी नहीं। हम लोग मिडिल क्लास नहीं है, हम लोग मिडिल फिंगर क्लास है। नेक्स्ट नंबर 6 8.4 IMDb रेटिंग के साथ एक बार फिर से एक नहीं बल्कि दो सीरीज है। पहली सीरीज है फर्जी, जिसकी स्टोरी मेनली फोकस करती है एक आर्टिस्ट टनी और उसके दोस्त फिरोज की, जो कि एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। इस वजह से उनके लाइफ में पैसों के कारण काफी प्रॉब्लम है, और इन्हीं सभी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए उनके दिमाग में एक दिन खुरफाती आइडिया आता है, और वो डिसाइड करते हैं वो खुद से ही नोट छापेंगे। और फिर इसके बाद आखिर आगे कहानी में जो कुछ भी ट्विस्ट टर्न आते हैं, ये तो आप इस सीरीज देख कर ही जान, जो कि वाकई काफी इंटरेस्टिंग और एंगेजिंग है, जो कि आपको बोर तो एक पल के लिए भी नहीं करने वाली। तो अगर आपने इस सीरीज को अब तक नहीं देखा है तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि एक बार जरूर देखें। और इसी के साथ एक और हाई रिकमेंडेड सीरीज है हाफसिए, तो अगर आप एक स्टूडेंट हो तो इस सीरीज को मिस बिल्कुल मत करना, जिसे आप बिल्कुल फ्री में काफी सारे एड्स के बीच में मिनी टीवी पे देख सकते हो। बड़े होकर के क्या बनोगे? दैत्य, दानव, राक्षस, असुर। नंबर 5 असुर सीजन 2, जिसे इस साल 1 जनवरी को जियो सिनेमा पे बिल्कुल फ्री में स्ट्रीम कर दिया गया था, जिसे IMDb पे 8.5 की काफी बेहतरीन सी रेटिंग मिली हुई है। और सीरीज अपने सीजन 1 की हाइप को पूरी तरह से एग्जीक्यूट करने में कामयाब हो पाती है, और इसके एंडिंग एपिसोड तो आपके दिमाग से पूरी तरह से खेलने वाली। तो आखिर असली असुर है कौन और क्या इसका सीजन 3 भी आएगा, ये सब कुछ जानने के लिए सीरीज देखनी होगी। और इस बात में कोई डाउट नहीं है कि इसके सीजन 2 देखने के बाद ये आप जरूर कहोगे कि इस तरह की सीरीज इंडिया में आज तक बिल्कुल भी नहीं बनी है, जिसे हर किसी को एक बार देखनी तो बनती ही है। नेक्स्ट नंबर 4 के प्लेस पे है 8.6 IMDb रेटिंग के साथ नेटफ्लिक्स पे आई हाल ही में द रेलवे मैन, जिसकी स्टोरी 1984 में हुए एक रियल स्टूडेंट भोपाल गैस ट्रेजेडी से इंस्पायर्ड है, जब गैस लीक होने की वजह से एक ही रात 15,000 लोगों की जान चली जाती है, जिनमें से आधे लोग तो सपने में ही थे। और इस सिचुएशन को जिस तरह से सीरीज में दिखलाई गई है वो वाकई बेहद ही ज्यादा कमाल की है, और स्पेशली कास्टिंग जिन्होंने सीरीज में जान ही डाल दिया है। तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि इस सीरीज को एक बार जरूर देखें। तो चलिए बढ़ते हैं लिस्ट में टॉप 3 की ओर,
तौर पर उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर वीडियो आपको थोड़ी सी पसंद आ रही हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करने की। और इसी के साथ नंबर 3 की प्लेस पे इसी साल 2023 में एक बेहद ही कमाल की सीरीज रॉकेट बॉय सीजन 2, जिसे IMDb पे 8.9 की काफी तगड़ी रेटिंग मिली हुई है। तो अगर आपने इसका सीजन 1 अब तक नहीं देखा तो सीजन 2 देखने से पहले आपको सीजन 1 निपटाना ही होगा। और अगर टाइम की कमी है तो सीजन 2 के स्टार्टिंग में इसकी रिकैप भी दे दी गई है, जिसकी स्टोरी मेनली फोकस करती है इंडिया में इतने कम रिसोर्सेज के होने के बावजूद भी इंडिया रॉकेट इंडस्ट्री में इतना बवाल कर पाया। और जिस तरह से उन सभी चीजों को इस सीरीज में प्रेजेंट की गई वो वाकई काफी ओरिजिनल लगती है, जिसे आप हर किसी को एक बार तो जरूर देखनी ही चाहिए। इतनी ठंड है इसीलिए मैंने दीदी की रजाई गरम कर दी। नंबर 2, ये मेरी फैमिली सीजन 2, जिसे IMDb पे 9.0 की टॉप क्लास की रेटिंग मिली हुई है। और हो भी क्यों ना, सीरीज टीबीएफ वालों की जो है, और खास करके इसका सीजन 1 लोगों को वाकई बेहद ही ज्यादा पसंद आया था। हाँ, पर अगर आपने इसका सीजन 1 अब तक नहीं देखा तो आपको सीजन 2 देखने से पहले आपको सीजन 1 देखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इन दोनों की स्टोरी बिल्कुल डिफरेंट रखी गई है, जिसकी स्टोरी मेनली एक छोटी सी स्वीट फैमिली के अराउंड घूमती है। तो अगर आप अपने बचपन के सभी उन यादों को एक बार फिर से एक्सपीरियंस करना चाहते हो, या फिर बचपन में किए गए उन सभी उटपटी हरकतों को याद करना चाहते हो, तो ये सीरीज आप सभी को एक बार जरूर देखनी ही चाहिए। और स्पेशली इसका सीजन 1 बिल्कुल ही मिस मत करना। और अच्छी बात ये है कि इस सीरीज को आप बिल्कुल फ्री में मिनी टीवी पे भी देख सकते हो। तो चलिए फाइनली बढ़ते हैं 2023 की मोस्ट रेटेड सीरीज की ओर, जिनमें एक नहीं बल्कि दो सीरीज है। हाँ, पर आप इन दोनों सीरीज को एक ही समझ सकते हो, क्योंकि एक सीरीज दूसरे सीरीज से पूरी तरह से जुड़ी हुई है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ एस्पिरेंट सीजन 2 और संदीप भैया की, जिनकी दोनों की IMDb रेटिंग 9.2 की है। तो अगर आपने एस्पिरेंट का सीजन 1 देख रखा है तो ये आपको पता ही होगा सीजन 1 इसकी कितनी ज्यादा बवाल लेवल की थी। और उसी सीरीज में से एक कैरेक्टर संदीप भैया के ऊपर एक सेपरेट सीरीज बनी है संदीप भैया के ही नाम से। और इन दोनों सीरीज की स्टोरी मेनली UPSC की तैयारी कर रहे उन सभी स्टूडेंट्स के लाइफ के ऊपर फोकस करती है। और जिस तरह से उनकी लाइफ को प्रेजेंट की गई है वो वाकई बेहद ही ज्यादा माइंड ब्लोइंग है, जिन्हें हर स्टूडेंट को अपने लाइफ में तो एक बार जरूर देखनी ही चाहिए। और अच्छी बात यह है कि इन दोनों सीरीज को आप बिल्कुल फ्री में भी देख सकते हो, वो भी YouTube पे। हाँ, पर एस्पिरेंट की सीजन 2 को देखने के लिए आपको Amazon Prime पे जाना होगा। तो दोस्तों फिलहाल बस आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये सभी सीरीज आपको बेहद ही ज्यादा पसंद आए होंगे। और इस लिस्ट की आपकी सबसे फेवरेट सीरीज कौन सी है आप मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। और मैं मिलता हूँ आपको जल्द ही ऐसे किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।